सबसे पहले जाएंगे हम रेक्टेंगल टूल में, रेक्टेंगल टूल लेकर उसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद इसको हम साइज देंगे 5.75, ठीक है, 5.1 एंड 7.75 इसका साइज है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें जो है हम कलर कर देते हैं ग्रीन, और इसका आउटलाइन कर देते हैं नन, ठीक है। आउटलाइन नन करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे हम इसमें, इसको करेंगे हम कंट्रोल क्यू यानी कर्व। कर्व करने के बाद हम यहाँ पे एक और एक नोड लेंगे शेप टूल से, और एक नोड यहाँ लेंगे शेप टूल से, ठीक है। उसको ऐसे करेंगे हल्का सा इस तरफ, यहाँ से हम इसको रेटिंग देते हैं 0.04, ठीक है। उसको क्या करेंगे, इसको हम लेकर जाएंगे इस तरफ, और इसको भी इस तरफ, ठीक है, हो गया। इसको हम यहाँ से ऐसे करेंगे, यहाँ एक नोड लेंगे और एक नोड यहाँ पे लेंगे, इसको भी इस तरह दो बार इस तरफ और दो बार इस तरफ, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसमें जो है सबसे पहले हम जो है इसका कलर जो है और हल्का डार्क करेंगे, ये वाला कलर। अब इसमें जो है हम ये वाला जो है चाय पत्ती का जो फील्ड है, इसको हम पावर क्लिक करेंगे, ऐसे करेंगे पावर क्लिक इन साइड, इस पर क्लिक कर देंगे, इसको करेंगे हम आईजी पावर क्लिक। पावर क्लिक करने के बाद इसको हम लेकर आएंगे यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, कर लेंगे फिनिश। ओके, फिनिश करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक और ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक, इसको करेंगे इसके इक्वल एंड टॉप, ठीक है, तो बड़ा करेंगे इसको, इसको हल्का सा और अंदर की तरफ करेंगे, हल्का सा और अंदर, इसके सेंटर, इसमें कलर कर देंगे हम डार्क ग्रीन, ठीक है। इसका आउटलाइन कर देंगे हम नन, इसका एक और कॉपी करेंगे, ठीक है, और इसमें कलर कर देंगे फिलहाल हम येलो करते हैं, और इसका जो नीचे कलर करना शिफ्ट पेज अप, ठीक है। और इसमें कलर जो है हम जाएंगे ऐसे F11 में, F11 में जाने के बाद यहाँ पे कलर देंगे हम इसमें येलो जो है हम करेंगे इसमें 40%, ठीक है, ओके। और इसमें जो है हम ग्रीन करेंगे 50%, ठीक, ओके कर देंगे, कहीं का कहीं घुमा देंगे इसको, कर देंगे हम, ठीक है, येलो जगह से और डार्क हो, ओके। इसको येलो को जो है हम कर देते हैं 60%, ओके, और ग्रीन को जो है 70/70, ठीक है, इसको कर देंगे हम, ओके। वो करने के बाद हम यहाँ जाएंगे ट्रांसपेरेंसी टूल में, इसको इसको हम कलर ब्लॉक यूज करके नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, ठीक है, और नीचे आएगा ये, ओके, ये हो गया हमारा। अब इसमें जो ये वाला जो है इसको करेंगे डिलीट, ये वाला ग्रीन टी का जो लोगो बना हुआ है इसको हम यहाँ पे लेकर आएंगे, उसको करेंगे शिफ्ट सेंटर, उसको करेंगे शिफ्ट पेज आप, इसको नीचे लेकर आएंगे कैसा, ठीक है। नीचे लाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से जाएंगे इसके अंदर, यहाँ पे आ रहा है कंट्रोल टूल, कंट्रोल टूल लेने के बाद यहाँ से कर देंगे इसको आउट साइड, और यहाँ से कर देंगे 0.07, ठीक है, कंट्रोल के, और इसमें कोसा का कलर फिल कर देते हैं, ब्लू वाला कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें कर देंगे हम ड्रॉप शेडो, लोगो भी आ गया, इसको करेंगे ग्रुप, ग्रुप करने के बाद इसको करते हैं जूम, F11 से इसको करना नीचे की तरफ, ठीक है, और इसमें कलर कर देना है हमें हल्का सा इस तरह का लाइट कलर, ठीक है, इसको कर देंगे। इसके बाद इस लोगो हम देंगे ड्रॉप शेडो, कंट्रोल दबा के इसको ड्रॉप शेडो देंगे, तो ड्रॉप शेडो भी सही सही तरीके से आएगा, इसमें कंप्यूटर बहुत सूलह चल रहा है मेरा, ठीक है, इसको आप कंट्रोल द्वारा इसको बराबर करेंगे, ठीक है, ठीक है, ड्रॉप शेडो इसमें हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो हमारा टाइप किया हुआ है लैची, इसको लगा हम यहाँ पर रखेंगे, शिफ्ट पेज अप, ठीक है, इसको इसके सेंटर कर देंगे, ठीक है, इसके बाद और
ये वाले दोनों ऑब्जेक्ट को, इस वाले को और इस वाले को हल्का सा और बड़ा करेंगे इस तरह के। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इतना काफ़ी है। ठीक है, इस वाले को ऊपर हल्का सा और बड़ा करेंगे, काफ़ी ज़्यादा नज़ारा है उसका जूम करने के बाद ये। ठीक है, इसको हम यहाँ लगा रखेंगे, ये हो गया हमारा। उसके बाद जो ये कप है इसको लगा रखेंगे यहाँ पे, इसको बनाएंगे शिफ्ट पेज अप, इसको इसके सेंटर, ठीक है, इसको हल्का सा और ऊपर करेंगे, और इस वाले इलायची को हल्का सा और ऊपर करेंगे। ठीक, इसको लगा रखे हैं यहाँ पे इलायची को, सोना शिफ्ट पेज अप। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे रेक्टेंगल टू में एक ऑब्जेक्ट लेंगे, इसको ब्रेक करके, ब्रेक करके हल्का सा इसको और यूँ बड़ा करेंगे। ठीक है, इसका जो है हल्का सा और चौड़ा होगा ये। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसी पर माउस को दो बार प्रेस करेंगे रेगुलरली, तो इस तरह का आ जाएगा एरो एरो का। ठीक है, इसको हम इस वाले एरो को पकड़ के नीचे की तरफ लेकर आएंगे इस तरह। ठीक है, लेकर आने के बाद क्या करेंगे, शिफ्ट दबाकर इस वाले ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से कर देंगे इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करता है, जितना इस बॉक्स के अंदर हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट है उतना काट कर बाहर निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आ गया है ये है। क्या करेंगे हम इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट है जिसके अंदर कंटेंट है उसको बाहर निकाल फेंक देगा वो। ठीक है, अब ये हो गया, इस इसी वाले ऑब्जेक्टिव मस कर प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद फ्रेम यहाँ करेंगे नन, उसको करेंगे शिफ्ट पेज अप। शिफ्ट पेज अप करने के बाद यहाँ पर हमारा कहीं एक मीटर मीटर पड़ा होगा, करेंगे शिफ्ट पेज अप। शिफ्ट पेज अप करने के बाद यहाँ पे जो हमारा ठीक है, इसमें जो हमारे ये मीटर लगाना है इसको भी अगर लेकर आएंगे यहाँ पे, तो शिफ्ट पेज मीटर को भी इसको इस कलर कर देंगे हम इसमें वाइट फील। और करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा यू करके इसको हल्का सा घुमाएंगे। ठीक है, ये है इसके सेंटर है, निकोल करेंगे। ठीक है, मैंने वाली रखा जाएगा इसको इस्तेमाल करके। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हो गया। उसके बाद जो है हमें ये ऊपर पट्टी लगाना है, फिर हम जाएंगे यहाँ से क्या करेंगे, जहाँ रेक्टेंगल टूल में इसको यहाँ से पकड़ यूँ करके ड्रैग करेंगे। ब्रेक करने के बाद इसको हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे इस तरह करके। ठीक है, इसमें कलर फिल कर देंगे हम ये वाला कलर जो 6% जो है सियान है और 64% जो है येलो, इसका आउटलाइन कर देंगे नन। हम यहाँ से जाएंगे फिर अगेन, इसमें यहाँ पे फ्री हैंड टूल है। ठीक है, इसका शॉर्ट कमांड है F5, इसको यूँ करके ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद इसको लेकर यूँ कंट्रोल दबा के इस तरह करके हल्का सा मज़ा एड प्रेस कर देंगे, ये हो गया। ठीक है, इसमें कलर कर देते हैं हम, इसको करते हैं ग्रुप कंट्रोल जी, इसमें कलर कर देंगे। ये वाला काफ़ी नहीं है, नहीं नहीं ये गलत हो गया, हाँ ये गलत। ठीक है, इसको सेंटर एंड इक्वल इसको कर देंगे ग्रुप। ग्रुप करने के बाद इसी कर कर कॉपी करेंगे, कॉपी करके नीचे लेकर आएंगे इसको। ठीक है, नीचे लेकर आने के बाद इसको हम यहाँ पे इसको करेंगे बॉटम। ठीक है, वजन सेंटर, उसको कंट्रोल दबा के इसको पकड़ देंगे। ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसमें जो है हमें एक चीज़ और बाकी जो करना है, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ से क्रिस्प टूल लेंगे, इसको यूँ करके ड्रैग करेंगे, ड्रैग करेंगे शेप टूल से करेंगे कन्वर्ट। इसके बाद जो इसमें जो कर काम बाकी वो है, हम जाएंगे क्रिस्प टूल में इसको कंट्रोल दबा के इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद इसको करेंगे कंट्रोल क्यू यानी कर्व, उसके बाद इसको किसी शेप टूल से यूँ करके हल्का सा यूँ करके इसमें जो हम कलर कर देंगे येलो। ठीक है, इसका ऑर्डर करेंगे देन, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे कन्वर्ट बीट में, बीट में करने के बाद यहाँ करेंगे ओके। तो अगर जाएंगे यहाँ से यहाँ पे कर देंगे ब्लर, ब्लर करने के बाद उसमें चेंज ब्लर। ठीक है, पूरा ये करना है। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम शिफ्ट इसी के ऊपर माउस राइट प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद पावर क्लिप इनसाइड, और इसको इसके अंदर इस पावर क्लिप इनसाइड कर देंगे। ठीक है, हम जाएंगे एडिट पावर क्लिप में ओके। इसको जो हल्का सा और हमें ब्लर करना है, बहुत ज़्यादा डार्क है। ठीक है, कर देंगे हम इसको फिनिश ओके। अब इसका कलर जो हल्का सा और डार्क करना है, हम डार्क करने के लिए ये कलर कर देंगे, तो ब्लैक हो गया सॉरी, ये डार्क है। ठीक है, इसका परसेंटेज है 96% सियान, 42% मैजेंटा, 100% येलो और 53% ब्लैक। ठीक है, ठीक है दोस्तों, डिज़ाइन जो हमारा तैयार हो चुका है, प्लीज़ अगर आपको हमारा डिज़ाइन हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और